हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 मार्च, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, पेटीएम के बाद अब IIFL फाइनेंस पर भी RBI ने बड़ा एक्शन लेते हुए इसके नए गोल्ड लोन बांटने पर रोक लगा दी है। जी हाँ, यानी IIFL फाइनेंस कंपनी अब नए गोल्ड लोन नहीं दे पाएगी, क्योंकि इसमें स्थित सोने के वजन और शुद्धता को लेकर कई गड़बड़ियां मिली। उसके बाद RBI ने सख्त एक्शन लेते हुए IIFL फाइनेंस के गोल्ड लोन पर रोक लगा दी है। ये गोल्ड लोन से लेकर होम लोन तक भी देती हैं, लेकिन फिलहाल गोल्ड लोन और नए इश्यू नहीं कर पाएगी। चलिए, किसान भाई लोगों के लिए सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए। किसानों को बिना किसी गारंटी के 7% ब्याज पर मिलेगा लोन। दरअसल खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों को रजिस्टर्ड गोदामों में रखी उनकी उपज के बदले लोन हासिल करने की सुविधा देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया, ई किसान उपज निधि नामक। इस डिजिटल गेटवे के जरिए किसान भाई लोग अपनी गोदाम में स्थित फसल के एवज में लोन ले पाएंगे और इसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा गारंटी भी नहीं देनी पड़ेगी। बिना किसी गारंटी के 7% ब्याज पर लोन मिल पाएगा। हालांकि किसान भाई लोग ऑनलाइन इस ई किसान उपज निधि पोर्टल के जरिए अब अपने गोदाम में रखे उत्पादों पर भी लोन ले सकेंगे। अभी WDRA के पास करीब 5500 गोदाम पंजीकृत हैं, जबकि कृषि से जुड़े गोदामों की संख्या 1 लाख होने का अनुमान है। तो इन लाखों सेंटर के जरिए किसानों को लोन की ये नई सुविधा मिलेगी। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, देश में चीनी का उत्पादन भी घटा है। इस साल 1.19% प्रोडक्शन में गिरावट देखी गई चीनी में, शुगर में। यानी हो सकता है जल्दी इस साल चीनी महंगी हो सकती है। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। और वहीं देखिए, भूकंप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भूकंप के झटके महसूस हुए, 3.2 की तीव्रता से धरती हिली। जम्मू के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप आया, 3 बार झटके लगे। डर के मारे लोग बाग घरों से बाहर आ गए। यहां भी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 थी। हालांकि गनीमत रही दोस्तों कि जम्मू और हिमाचल दोनों ही जगहों पर जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन करेंगे कोलकाता में 3 मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन। 12/7 में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री 6 मार्च को फिर से पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और कल सुबह करीब 10:15 यहां कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हुगली गंगा नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा समेत कोलकाता मेट्रो रेलवे की 3 परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिनका PM उद्घाटन करने वाले हैं। और कल ही प्रधानमंत्री ने तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों का दौरा किया। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए PM बोले कि विपक्ष कहता है मेरा परिवार नहीं है, देशवासियों के लिए बचपन में ही घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए पूरा जीवन भी खफा दूंगा। और प्रधानमंत्री का कहना कि आप लोग देशवासी ही मेरा परिवार है। और आने वाले 8-9 मार्च को प्रधानमंत्री असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भी जाएंगे। प्रधानमंत्री रात भी वहीं बिताएंगे, जीप सफारी और हाथी की सवारी भी करेंगे। मार्केट से कुछ बड़े अपडेट देखिए। कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस को अलग अलग करेगी टाटा मोटर्स कंपनी। कंपनी के बोर्ड ने डी मर्जर को मंजूरी दे दी है। इसमें 12 से 15 महीने का प्रोसेस लगेगा। और वहीं भारतीय स्टेट बैंक की SBI की एक स्पेशल FD स्कीम निकली हुई है, आपको बताऊंगा, अमृत कलश स्कीम। इसकी लास्ट डेट 31 मार्च है। इसमें सीनियर सिटीजन को 7.60% और अन्य को 7.10% सालाना ब्याज मिल रहा है अभी। अगर आप भी ये स्पेशल FD स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले पहले यानी 31 मार्च से पहले पहले इसमें जुड़ सकते हैं आप। और भारत के ग्रोथ रेट को लेकर देखिए, मूडीज ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया। एजेंसी का कहना है कि G20 इकोनॉमीज में भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और GDP ग्रोथ के सारे अनुमान को गलत बताते हुए SBI ने भी कहा कि भारत की GDP ग्रोथ के आंकड़े और ज्यादा रहेंगे। मौजूदा वित्त वर्ष में 8% के करीब पहुंच सकती है भारत की GDP ग्रोथ रेट। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कल सोमवार को प्रदर्शनकारी किसानों की उचित मांगों पर विचार करने के लिए केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों को निर्देश देने वाली मांग वाली जनहित याचिका को वापस ले लिया और ये मानते हुए इस याचिका को खारिज भी कर दिया। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत देते हुए ये कहा कि वकील अपनी पब्लिसिटी के लिए याचिकाएं दायर न करें। किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये बहुत गंभीर विषय है और सिर्फ अखबारों की रिपोर्ट्स के आधार पर प्रचार पाने के उद्देश्य से याचिकाएं दायर नहीं की जानी चाहिए। चलिए अगली बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि 31 मार्च के बाद हमारे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां वापस से महंगी हो सकती हैं, क्योंकि ये सरकारी सब्सिडी की भी लास्ट डेट है। और अगर सरकार इस तारीख को नहीं बढ़ाती है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली FAME II सब्सिडी स्कीम बंद हो जाएगी 31 मार्च के बाद, तो EV गाड़ियां महंगी हो जाएगी। अभी कंपनियां 37,500 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है FAME II स्कीम के तहत। हाल ही में आपको बताऊंगा, ओला वगैरह ने भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कीमतें घटाई थी। अभी ऑफर के तहत आप सस्ते में भी खरीद सकते हैं इन्हें। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन कुछ यूं रहा। राहुल गांधी ने खाट पंचायत में किसानों से संवाद किया, बातचीत की MP के शिवपुरी में, और साथ ही
रागोगढ़ ब्यावरा में रोड शो भी किया। चलिए बड़ी खबर देखिए, नोट लेकर सदन में वोट दिया तो चलेगा मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों को कानूनी छूट देने से इनकार कर दिया और अपना 25 साल पुराना फैसला भी पलटा। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं को यह हिदायत भी दी। वहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड SBI ने 30 जून तक की मोहलत मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्टियों को किसने कितना चंदा दिया, 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को सारा रिपोर्ट हिसाब किताब सौंपना होगा, लेकिन अभी SBI का कहना कि हमें 30 जून तक का समय चाहिए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में एक नई सुविधा शुरू हो चुकी है। जमीन से जुड़ी सारी जानकारी अब आपको ऑनलाइन मिल पाएगी। भू स्वामी को खास तरह की पासबुक उपलब्ध कराई जाएगी ऑनलाइन ही, जिसमें आपकी जमीन के सारे डेटा रिकॉर्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा अवेलेबल होगी। अब विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन नागरिक सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए एकीकृत भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली भी विकसित की जा रही है बिहार में, है ना। तो लोगों को ये नई सुविधाएं मिलेगी जल्दी। और वहीं खबर देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। राजधानी नई दिल्ली में GST वस्तु एवं सेवा कर प्रवर्तन प्रमुखों के ये राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और वहीं हज यात्रा 2024 के लिए भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हज सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। 10 अलग अलग भाषाओं में हज गाइड भी जारी किया। इस मोबाइल ऐप के जरिए जरूरत के समय अधिकारियों को हाजियों की वर्तमान स्थान के बारे में जानकारी भी मिल पाएगी। ये ऐप हाजियों को जरूरत के समय निकटतम स्वास्थ्य सुविधाओं का पता लगाने में भी मदद करेगा, है ना। तो हज यात्रा पर जाने वाले सभी टूरिस्ट इस मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए बड़ी खबर है, भारत से रक्षा सहयोग बढ़ाएगा जर्मनी। एम्बेसडर बोले कि पहले हिचकिचाहट थी, अब कोई दिक्कत नहीं है, अक्टूबर में जॉइंट मिलिट्री ड्रिल भी होगी इंडिया जर्मनी के बीच। चलिए खबर है, XLRI ने की इंडिया स्कूल फॉर डिजाइन ऑफ ऑटोमोबाइल्स की स्थापना। करंट अफेयर्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और वहीं ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज को भी पहला PLI ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट दे दिया गया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेक्टर का। और बड़ी अच्छी सरकारी योजना वाली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार ने राज्य की आधी आबादी को तोहफा देते हुए 18 साल से ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं लड़कियों को हर साल 18,000 रुपए देने की घोषणा की है। और इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस नाम से मतलब नई योजना की शुरुआत की है महिलाओं के लिए, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना वगैरह है ना, ठीक वैसे ही। और इस योजना के अंतर्गत 18 साल से ज्यादा उम्र की सभी लड़कियों को 18,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, यानी हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे महिलाओं को लड़कियों को। 18 से 80 साल की उम्र तक ये लाभ मिलेगा और अगले महीने से इस योजना की शुरुआत हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू की तरफ से ये बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है लोकसभा चुनाव से पहले। आपको पता होगा दोस्तों, ठीक ऐसी ही योजना की घोषणा कल राजधानी दिल्ली में बजट के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से भी की गई। दिल्ली में भी 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं लड़कियों को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। हिमाचल में 1,500 रुपए देने की घोषणा की गई है और दिल्ली की वित्त मंत्री ने बजट में 1,000 रुपए हर महीने 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों महिलाओं के लिए देने की घोषणा की है। तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये भी मतलब महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की गई है। दिल्ली की वित्त मंत्री ने बजट की घोषणा करते हुए कहा कि राम राज्य की शुरुआत वापस हो चुकी है। आतिशी ने बजट भाषण में रामचरितमानस की चौपाइयां भी पढ़ी और 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया इस साल दिल्ली सरकार ने। इस बजट के और भी डिटेल हाइलाइट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो डाला है, अगर आप दिल्ली से हैं तो देख लीजिएगा। और आधार कार्ड को लेकर भी 5 नए नियम लागू किए हैं हाल ही में सरकार ने हमारे देश में, इस पर भी मैंने कल शाम को एक वीडियो डाला है, आप DLS न्यूज चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। ओके, और वैसे हिमाचल प्रदेश सरकार की हम बात कर रहे थे ना, तो यहाँ देखिए आप 5,00,000 सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी तोहफा दिया हिमाचल सरकार ने। एरियर का फायदा मिलेगा, अब सरकार ने ऑफिशियली इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार ने संशोधित वेतनमान DA यानी कि महंगाई भत्ते का एरियर देने का निर्णय लिया है। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए बड़ी खबर देखिए, म्यांमार बांग्लादेशी शरणार्थियों और मणिपुर से आए लोगों की सहायता जारी रखेगा मिजोरम। गृह मंत्री ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी। और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, फ्रांस में गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक अधिकार मिल चुका है और ऐसा अधिकार महिलाओं को देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है फ्रांस। अबॉर्शन राइट्स यानी गर्भपात का अधिकार मिलेगा अब महिलाओं को। संवैधानिक अधिकार मतलब तो आप समझ गए होंगे ना, मतलब लीगली बिल्कुल कानूनन तरीके से फ्रांस में महिलाओं को गर्भपात कराने की इजाजत होगी ऐसा। चलिए अगली खबर है, उत्तराखंड में पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज डैमेज एक्ट को मंजूरी मिल चुकी है, अब संपत्ति को हानि पहुंचाने पर भरना होगा जुर्माना। जी हां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें सरकारी संपत्ति नुकसान क्षतिपूर्ति के लिए कानून लाने की तैयारी को जो सरकार ने अध्यादेश पेश किया इसे कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। दंगा रोधी कानून इसे नाम दिया गया है और अब सरकारी और निजी किसी भी तरह की संपत्ति को अगर कोई दंगाई या उद्दंड मचाने वाले हड़ताल करने वाले नुकसान पहुंचाएंगे तो उनसे सीधा जुर्माना वसूला जाएगा, है ना। तो उत्तराखंड में मतलब एक तो ये नया नियम लागू हो चुका है और इसके अलावा भी उत्तराखंड सरकार की पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक में कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनकी ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं कैबिनेट बैठक के कुछ प्रमुख फैसलों की। और एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, हमारे इसरो चीफ
सोमनाथन को कैंसर है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात को कंफर्म किया। जब हमारा सूर्यान आदित्य एल्बम लॉन्च किया था ना, उस दौरान रूटीन चेकअप के दौरान ही पता चला उन्हें कैंसर के बारे में स्कैन के अंदर। हम ईश्वर से उनकी लंबी उम्र और जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में 5 मार्च से फिर से सिस्टम एक्टिवेट होगा, लेकिन बारिश नहीं होगी। 10 मार्च तक थोड़ा ठंडा गर्म रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में अब मौसम शुष्क हो चुका, 75 जिलों में ड्राई डे रहेगा, बारिश नहीं होगी आज। हालांकि झारखंड के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है, मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना फिर से 63,500 पर पहुंचा, चांदी भी 70,000 के पार निकली। अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का रेट क्या चल रहा है ये भी आप देख सकते हैं। और चांदी की बात करें तो 620 रुपए महंगी होकर चांदी अभी 70,518 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए पॉलिटिक्स से कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस्तीफा दिया। गुजरात से अभी वो सांसद बने रहेंगे। और एनडीए में शामिल होने के बाद आरएलडी ने भी लोकसभा के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बिजनौर और बागपत में उम्मीदवार उतारे गए, कौन कौन है जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। और खबर है लोकसभा चुनाव के लिए बीआरएस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई है। वहीं कर्नाटक विधानसभा परिषद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भाजपा ने कहा डीजीपी 3 दिन में एफएसएल रिपोर्ट जारी करें। और खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में भजनलाल सरकार ने भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, 106 आरएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। खबर है अब उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद ने भी टिकट वापस किया। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने एक दिन पहले अपना टिकट लौटा दिया था और अब यूपी के बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने भी सोशल मीडिया पर टिकट वापस देने की बात कही है। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। और खबर देखिए गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोढवाड़िया ने भी पार्टी छोड़ी, कहा कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा कर जनता की भावना को आहत किया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि ईडी का समन गैर कानूनी है। उन्होंने एजेंसी से कहा कि 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो जाऊंगा। आना तो ये कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट चल रहे हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है। सैमसंग गैलेक्सी F15 5G स्मार्टफोन 12,000 रुपए में लॉन्च हुआ। इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा और 6,000 एमएएच की बैटरी मिलेगी। सबसे यूनिक फीचर होगा इसमें एक वॉइस फोकस फीचर, और इस फीचर की मदद से आप भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी कांकू में भी बात करेंगे ना तो भी आवाज क्लियर आएगी फोन पर बात करते दौरान। और वहीं निवेशकों के लिए अपडेट है, कल से ही ओपन हुआ आरके स्वामी लिमिटेड कंपनी का आईपीओ। इसके लिए आप 6 मार्च तक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,400 रहेगा। और भी आरके स्वामी के आईपीओ से जुड़ी कुछ तारीखें आप देख सकते हैं और इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल भी देख लीजिएगा। चलिए खबर है आज हिमाचल प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। यहां हमीरपुर मंडी नेशनल हाईवे समेत कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। हालांकि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन यहां 40 किलोमीटर लंबे एनएच का शिलान्यास भी करेंगे, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कहना कि इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन के लिए इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली पर काम किया जा रहा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से ये बात कही गई, ताकि देश में इंटरनेट बैंकिंग को और ज्यादा सुरक्षित, आसान और बेहतर बनाया जा सके। चलिए खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नई योजना की शुरुआत की और इससे अब मिलेगा महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा तकनीक में नवाचार को बढ़ावा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस योजना के तहत स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता प्राप्त करने के भी पात्र हैं। और खबर है, भारत से तंजानिया को 30,000 टन गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात किया जाएगा। सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। तंजानिया वही देश है जहां के सोशल मीडिया पर एक स्टार है जो हिंदी गानों पर अक्सर लिपसिंग वगैरह करते हैं, आपको बताओगा इनका नाम क्या है, किली पोल। आपने देखे होंगे इनके कई सारे वीडियोस। चलिए अगली खबर है, अपडेटेड आईटीआर को लेकर डिपार्टमेंट ने एक नया अलर्ट जारी किया। 31 मार्च से पहले करना होगा ये काम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स पेयर्स के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। और डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर से कहा कि 31 मार्च से पहले अपडेटेड आईटीआर दाखिल कर लें। किन टैक्स पेयर्स को ये जानकारी देनी होगी तो उसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में जिला अस्पतालों को बनाया जाएगा मेडिकल कॉलेज। पीपीपी मॉडल पर अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। 75% बेड गरीबों के लिए रिजर्व होंगे। एमपी की मोहन यादव कैबिनेट बैठक में ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और भी मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट के कुछ बड़े फैसलों की लिस्ट आप देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी 2.0 योजना को भी स्वीकृति दी गई। और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने रामलला के दरबार में दंडवत प्रणाम भी किया, ये देख सकते हैं आप। अयोध्या में कैबिनेट के साथ भगवान राम के दर्शन किए एमपी सीएम ने। खबर है, मध्य प्रदेश में 11,000 करोड़ की सिंचाई सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली। मोहन कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया, उज्जैन जावरा के बीच बनेगा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड हाईवे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बड़ी सौगात देते हुए 268 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। दुर्ग के उतई स्थित छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय वो पहुंचे और वहां से ये विकास कार्यों की शुरुआत की। और एक अच्छी खबर आ रही छत्तीसगढ़
वासियों के लिए देखिए 8 नहीं बल्कि 7 मार्च को ही मिलेगा महतारी वंदन योजना का पैसा। रायपुर के साइंस कॉलेज में बड़ा सम्मेलन होगा और पीएम मोदी खुद वर्चुअली इसको संबोधित करेंगे सम्मेलन को। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में आधुनिक मशीनों से लैस होंगे ठाकुरगंज टीबी व आरएलबी अस्पताल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपग्रेडेशन के कई निर्देश दिए और इन अपग्रेडेशन से कई सीएचसी में बढ़ेंगी आधुनिक सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं, हेल्थ स्वास्थ्य सेवाएं में बढ़ोतरी होगी, है ना। खबर है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारियों ने फसलों का सर्वे भी किया। अफसरों ने राहत आयुक्त कार्यालय में भेजी रिपोर्ट। 9 जिलों में भारी बारिश के चलते फसलों को नुकसान हुआ था। और खबर है हरियाणा से नोएडा डीएनडी तक बनेगा एलिवेटेड रोड। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मीटिंग में कई प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। हिसार में बनेगी गर्ल्स यूनिवर्सिटी। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार के 850 थानों में शुरू हुआ महिला हेल्प डेस्क। 24 घंटे हर थाने में तैनात रहेगी महिला जवान, पीड़ितों की भी मदद करेगी। और साथ ही खबर है बिहार में होगा इतिहासकार पुरातत्व वैज्ञानिकों का जुटान। बिहार म्यूजियम में पहली बार 8वां अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन होने जा रहा। 300 प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे। अगले महीने 4 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच ये सम्मेलन आयोजित होगा। और खबर है हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर बनेगा दूल्हा। दरअसल काला जठेड़ी शादी करने जा रहा और इसकी बेगम बनेगी लेडी डॉन अनुराधा। कोर्ट से भी पेरोल मिल चुकी है काला जठेड़ी को शादी के लिए। ये 12 मार्च को जेल से बाहर आकर दिल्ली में शादी करेगा और इस दौरान 4 राज्यों की पुलिस भी तैनात रहेगी। और एक बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, नासा जाएगा उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा के उत्कर्ष का प्रोजेक्ट। महज 150 रुपए में ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। ग्रेटर नोएडा में दादरी के एक छोटे से गांव छायसा का ये बच्चा अब नासा जाएगा। ये अभी तो यूपी बोर्ड 10वीं का एग्जाम दे रहा, सिर्फ 15 साल उम्र है, लेकिन 150 रुपए में इन्होंने एक तरह का रोवर बनाकर तैयार किया और ये रोवर नासा में जाएगा। भारत तो मतलब सस्ते में अंतरिक्ष चीजें बनाने के लिए फेमस होता जा रहा है। चलिए एजुकेशन पर कुछ और अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा टेक्निकल असिस्टेंट के 3446 पदों पर भर्ती। 1 मई से आवेदन शुरू होंगे। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति पर 2384 को भी मौका मिला। खबर है यूपी बोर्ड में लगभग 1.5 लाख परीक्षक जांचेंगे 3 करोड़ कॉपियां। 16 मार्च से ही प्रदेश के 260 मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियां जांची जाएगी। और वहीं बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण भी शुरू होने जा रहा। चयनित शिक्षकों को योगदान करने के लिए 10 मार्च तक का समय मिलेगा, बाद में स्वीकृत नहीं किया जाएगा आवेदन। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश वाराणसी ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को निर्देश दिया और कहा कि शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर 8 सप्ताह के अंदर अंदर फैसला करें। और अंबानी परिवार की शादी पर अपडेट देखिए। अनंत राधिका प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में हस्ताक्षर सेरेमनी की भी तस्वीरें सामने आई। नीता अंबानी ने किया भरतनाट्यम, एकोन के साथ स्टेज पर झूमे शाहरुख सलमान भी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं प्री वेडिंग के तीसरे दिन की। और बॉलीवुड से खबर है 10 दिन में आर्टिकल 370 फिल्म ने 54.44 करोड़ रुपए की कमाई की। इसराइल हमास जंग पर बड़ी खबर आ रही कि गाजा में सीज फायर किसी भी वक्त हो सकता है। हमास का कहना कि 24 से 48 घंटे में फैसला लेंगे। अमेरिका बोला इसराइल 6 सप्ताह हमले नहीं करेगा। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए आज वृष और धनु राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। मकर राशि वालों को भी बिजनेस में आज फायदा होने के योग दिख रहे हैं। और आज 5 मार्च को मिथुन राशि के लोग अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। कुंभ राशि के लोगों का मित्रों से विवाद हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं, किस राज्य से अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में लिखिए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।